सहरी का तमाम कर रहे हैं, कह रहे जी सब जगह पे रहमत की बारिश है। मैंने सहरी तैयार कर लिया, अब हम कुरान मजीद पढ़ लेते हैं। कपड़े मैं गर्मियों के निकाले हैं। नमाज पढ़ ली है, नफल वगैरह पढ़ ली है, तो अब मैंने कहा चलो सहरी का तमाम कर ले। और इतना प्यारा फिर से मौसम में ठंडी या हवा आ रही है, बारिश तेज तेज आ रही है, इसलिए मैं सारा कुछ फिर इधर ले आई थी। उधर खुली जगह थी तो ऊपर से बारिश आ रही थी, मैंने कहा चलो आपके मैं वो बनाने लगी हूँ सहरी, तो मैंने कहा हम लोग के साथ शेयर करती हूँ जी। जो पीछे बाहर इतनी बारिश आ रही है, तेज़ी से शुरू होगी बारिश, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। किसी जगह पे ये बारिश रहमत की है तो किसी के लिए ये जहमत बन गई, क्योंकि गन्नों को नुकसान देने वाली सब जगह पे रहमत की बारिश आए, फसलों के लिए कहते हैं ये नुकसानदेह होती है। फसलें अब एक महीने में तैयार होने वाली है, तो पहले भी गन्नों का हाई रेट है जी, ठीक है। अब मैं बाकी सारा पेड़ शेड़ बना के रोटी का इतमाम कर लेती, बड़ी उनको दिखा रहे बाहर पीछे कितने अच्छी मौसम है बारिश जी। अच्छा जी, अब मैं सारी तैयार करने लग गई, बाहर आग जलाई थी तो मेरा चूल्हा खराब हो गया, साथ साथ कैमरा मैन भी हेल्प करवा रही है कि इस वक्त बहुत नाजुक टाइम होता है, टाइम बहुत थोड़ा होता है, रात बजने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सहरी तैयार कर लिया, अब हम सब मिल के सहरी का इतमाम कर लेते हैं। सहरी कर लेते हैं तकरीबन 20 मिनट पड़े, मज़ा बंद। ये आलू का सालन बनाया है, चने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ कहाँ से अल्लाह पाक हमें रहम से रिजक भेज देता है जी। हमारी किस्मत में होता है नहीं होता, हमें नहीं पता, हमें मिल जाता है। ये मेरी बाजी की घर से आया, थैंक यू, ठीक है, वो भी हमारे ब्लॉग देखते हैं, थैंक यू जबूर। और हम सैरी कर लें जल्दी जल्दी से, आप 20 मिनट पड़े ऊपर चाय मैंने रख दिए, ठीक है। दही आज फिर हमारा नहीं बना, आगे मरी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने सहरी वगैरह कर ली है, तो बर्तन बुर्तन उठा के बाहर रख दिए जी। अभी तक बारिश भी लगी हुई है, तो अब हम वुज़ू करके नमाज पढ़ते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी का टाइम ख़त्म हो गया, अब हमने रोज़ा सामने रख लिया जी, अब हम कुरान मजीद पढ़ लेते हैं और उसके बाद नमाज पढ़ के फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे 2-3 घंटे। आज स्कूल जाना है किसी ने, किसी ने नहीं जाना, जो जाएँगे रोज़ा रखा हुआ खुद ही चले जाएंगे, नाश्ते बनाने का मसला नहीं है। तो आज जुम्मा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक का जिक्र करेंगे, ठीक। तो नियत तो मैंने पहले भी कर ली, रोज़ा रखा है, नियत आप जब इरादा करते हो तो उसी वक्त अल्लाह पाक तो कबूल कर लेते हैं, नेकी का जब आप इरादा करते हो। अब फिर आप लोगों के लिए जिसको नहीं आती वो चलो उनको मेरी वजह से आ जाएगी, वापस होंगे कदीम नवे तो मिन शहर रमज़ान जी। मैंने आप लोगों के सामने पक्की नियत कर ली, ठीक है, सब बता गए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, फिर से वेलकम बैक जी। अब हमारी सुबह हो गई है, तकरीबन जुमे का भी टाइम होने वाला है, तो हमने कहा चलो अब काम से साफ करते हैं, आप लोग के साथ वीडियो शेयर करते हैं। कुछ कपड़े मैं गर्मियों के निकाले हैं, आज फिर घर हूँ तो कुछ घर में गर्मियों के कपड़े निकाले हैं, मैंने कहा सेटिंग कर लेते हैं और सर्दियों के बीच में रख देते हैं और जुमे की तैयारी करते हैं, सारा कुछ लेते हैं, काम शाम हो रहे हैं। तो फिर ऐसे कोड़े मुंह के साथ कौन देखेगा, अभी हम उठे तो फिर 15-20 मिनट ही हो, तो फिर आप लोगों के साथ नहा धो के फ्रेश मूड के साथ नमाज के बाद हाजिर होते हैं, ठीक है, ओके। तो हमने नमाज वगैरह पढ़ ली है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम फिर से वही ठंडी हवा चल गई, पहले थोड़ी देर नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह ताला ने धूप निकाली है, तो अब फिर बदल बन गए हैं जी। जब से मेरी आँख खुली 3 बजे बारिश शुरू हुई है, और थोड़ी देर ब्रेक लगी फिर बारिश, तो हम बस सोए रहे, मेरी आँख खुलती रही, बारिश की टिप टिप सुनती रही है, तो बहुत बारिश आई है, ऐसे गलियाँ और सारे बाजार भरे पड़े हैं,
इसलिए आज मैं भी नहीं गई स्कूल, बच्चे भी नहीं गए, यूनिवर्सिटी भी नहीं गए, सब घर हैं। तारी का टाइम होने वाला, तो अब हम तैयारी शुरू करते हैं। ये तकरीबन 3:30 हो गए, अभी से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों से फिर वो भी अगले व्लॉग में शेयर करते हैं जी, ठीक है। अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं और अपना ढेरों ढेरों ख्याल रखना इस व्लॉग में कि आप लोगों को हमारी कोशिश कैसी लगती है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।